गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेज नंबर 49 एंड 50 इन योर मैथ्स मैसेज बुक. सो ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 49. आवर टॉपिक इज फन इन फीलिंग विजिट. फन इन फीलिंग विजिट. सो लेट अस स्टार्ट. फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बोतल. आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने कप पानी से ये जो बोतल है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये 3 बोतल्स है, ये फिल हो जाए. फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई. पहले आप लोग गेस कीजिए, फिर ट्राई कीजिए. नाउ फिल अप डिफरेंट बोतल विद द सेम कप. अब हमें कोई दूसरा बोतल सेम कप से फिल करना है. दिस बोतल होल्ड्स लेस वाटर. और हमें देखना है कि तीनों बोतल में से कौन सा बोतल सबसे कम वाटर होल्ड किया. इट मीन्स सबसे कम वाटर किस बोतल में है. ट्राई इट विद अनदर बोतल. अब फिर दूसरे बोतल के साथ ट्राई कीजिए. दिस बोतल होल्ड लेस वाटर. और किस बोतल ने लेस वाटर होल्ड किया. तो आप लोग क्या कीजिए, अपने घर में डिफरेंट शेप का बोतल होगा, डिफरेंट शेप में बोतल लीजिए. यहाँ मैंने 3 शेप में बोतल के पिक्चर बनाए हैं. एक कप लीजिए, उस कप से उस बोतल में वाटर डालिए, फिलअप कीजिए उस बोतल को और चेक कीजिए कि एक बोतल में आपने कितने कप वाटर डाले. सपोज दैट ये बोतल है, इस बोतल में आपने कितने कप वाटर डाले. फिर सेकेंड वाले बोतल में आपने कितने कप वाटर डाले. फिर थर्ड वाले बोतल में कितने कप वाटर डाले. फिर आप रिमाइंड रखिए, एकदम बिल्कुल याद रखिए कि इस बोतल में कितने कप हैं, इसमें कितने और इसमें कितने. उसके बाद फिर आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए कि सबसे ज़्यादा पानी किस बोतल ने होल्ड किया और सबसे कम वाटर किस बोतल ने होल्ड किया. तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर पे करोगे. सुनैना एंड जसप्रीत ब्राउट डिफरेंट वेसल फ्रॉम द किचन. दे हैड अ जग. सुनैना और जसप्रीत क्या करती है, डिफरेंट वेसल अपने किचन से ले आती है. जग, ग्लास, मग, पॉट और बॉल. दे फिल ईच ऑफ दीज विथ अ कप. अब ये जग को, मग, ग्लास, पॉट और बॉल को किस चीज़ से फिल करती है, एक कप के वाटर से. एक कप में वाटर लेती है और डालते जाते हैं. पहले जग में डालेगी, इस जग में वाटर डालेगी, फिलअप करेगी, फिर बताएगी, लिखेगी एक जगह, नोट डाउन करेगी या किसी को बता के रखेगी कि इस जग में मैंने 5 कप पानी डाले या 5 कप पानी डाले या 4 या 3. उसी तरह से इस मग में कितने कप उसने पानी डाले हैं, उसी तरह इस ग्लास में उसने कितने कप पानी डाले हैं, फिर पॉट में कितने कप पानी डाले हैं और फिर बाउल में उसने कितने कप पानी डाले हैं. अब हमारा क्वेश्चन है, गैस विच वेसल होल्ड द लेस्ट वाटर. सबसे कम वाटर किस वेसल ने होल्ड किया. यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, बाउल है. तो इसका आंसर क्या होगा, बाउल. फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट आंसर जरूर करेगा बाउल, क्योंकि बाउल ही यहाँ सबसे छोटा है. बाउल क्या है, सबसे छोटा है. तो अगर हम कब से इस बाउल में पानी वाटर फिलअप करेंगे तो सबसे कम ये बाउल ही वाटर कंज्यूम करेगा. नेक्स्ट है, विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर. इन चारों में से, पांचों में से सबसे ज्यादा वाटर कौन होल्ड किया. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जगह ये है पॉट. क्या है पॉट, पॉट में ही क्या है ये पॉट. सबसे ज्यादा जग, मग, ग्लास, बॉल और पॉट में सबसे बड़ा पॉट है. तो पॉट में ही सबसे ज्यादा वाटर जाएंगे. तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, पॉट. अब सी, नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल इज देम. आप लोग खुद से डिफरेंट वेसल अपने किचन से कलेक्ट कीजिए और एक कप लीजिए और सेम कप से सभी वेसल को फिलअप कीजिए. फिर काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर
विसल ने कितना कप वाटर कंज्यूम किया और कितने सबसे कम और कितने कितना ज़्यादा वाटर होल्ड किया। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने किचन से जा कर के जग मग ग्लास बॉल में पोट ही लोगे। हो सकता है और भी डिफरेंट किचन में आइटम हो, बकेट हो, टब हो, वो सब भी लीजिए। वो सब के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक कप रखिए, कप से पानी ले लेकर के उस बकेट में डालिए, देखिए उस बकेट में आपने कितने कप वाटर होल्ड किए हैं। फिर जाके टब लीजिए, टब में देखिए आपने कितने कप पानी होल्ड किए हैं। दोनों में कंपेयर कीजिए कि टब या बकेट दोनों में आपने किसने ज़्यादा वाटर उस कप से डाला है, किसने ज़्यादा वाटर होल्ड किया। इस तरीके का आप लोग एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। अब आपको गेस करना है और पूरा करना है। क्या करना है? गेस करना है और पूरा करना है। अब हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। डिफिसिट यू यूज कप ऑफ वाटर टू फिल। फर्स्ट हमारा दिया हुआ बॉल है, इसमें कितने कप ऑफ वाटर हम लोग फिल करेंगे कि ये बाउल पूरी तरह से फिल हो जाए। आंसर हो 3 to 4 कप्स। कितने कप्स? 3 to 4 कप्स। सेकेंड हम लोग जग लेते हैं। जग में कितने कप्स हम लोग वाटर डालेंगे? तो जग में हम लोग 8 to 10 कप्स वाटर डालेंगे, तब ये जो जग है ये जग फिलअप हो जाएगा वाटर से। अब लास्ट थर्ड लेते हैं ग्लास। ग्लास में अगर हम लोग कप से वाटर फिलअप करें तो 2 to 3 कप में ये ग्लास हमारा जो है ये फिलअप हो जाएगा। अब ले लीजिए मग। ये हमारा मग है। मग में अगर हम वाटर डालना शुरू करें कप से तो 6 to 8 कप्स में हमारा ये जो मग है ये भी फिलअप हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ये पेज नंबर था 49 and 50 कंप्लीट हुआ। आप लोग ये बुक में अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और पेज नंबर 51 होमवर्क में करोगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।